पास से हटो, जो बढ़ा बढ़ा है। गुफा के भीतर नहीं जा सकते। मुझे गुफा के भीतर जाने से रोकने वाले तुम होते कौन हो? इस गुफा का प्रहरी। गुफा में जाना वर्जित है। ए वानर, तू साहस मत कर, तुझे मेरी शक्ति का भार नहीं है। मैंने कहा मेरे रास्ते से हट। सुनो बात, हट तो तुम्हारा उचित है। मैंने कह दिया ना गुफा में जाना वर्जित है तो वर्जित है, कहीं और जाकर धर्म करो। मैंने कहा मेरे मार्ग से हट, वरना परिणाम उचित नहीं होगा। वानर, जो अपने प्रभु का हो गया उसे किसी परिणाम का भय नहीं। जाओ यहां से। अच्छा, मैं भी देखता हूं। पड़ेगा अपने कुकर्मों का परिणाम।
माँ, माँ मुझे दर्शन दो माँ। प्यारी शक्ति जगदम्बा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो माँ। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु स्वयं शक्ति के हाथ हुई है। मैं आपके हाथ मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था माँ, इसीलिए आपसे मैं धारण किया था माँ। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो माँ। हे जगत जननी, मैं आपकी इस रूप से अपरिचित था माँ। यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो ये संसार मुझे पापी कहेगा, मुझे धुतकारेगा, मुझसे घृणा करेगा। तुम चाहते क्या हो भैरवनाथ? माँ, आप तो ममता मई माँ है, क्षमा की देवी है। हे जगत जननी, हे देवी माँ, कुछ ऐसा कर दो आज कि लोग मुझे आपका शत्रु न समझे, लोग मुझे पापी न कहे। तुमने अंत समय में मुझे माँ माँ पुकार कर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ भैरवनाथ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। धन्य हो माँ। मेरे भक्त, मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। तुम्हारे घर पर से चलकर भक्त मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, जोता वाली जय माता दी। कैसे ऐसा क्रोध
विनाशकारी होता है। इतना अधिक शीत हनुमान की कोप से सृष्टि उथल पुथल हो रही है। हनुमान का ये क्रोध इस सृष्टि का विनाश कर देगा। जितना सौम्य होता है उसका तो उतना ही प्रलयकारी होता है। आप इस भक्ता को अपने भगवान के दर्शन करने की शान। Yeah.
प्रभु श्री राम। हनुमान के मुख से प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण होते ही इनके क्रोध से उत्पन्न होने वाला विमर्श रुक गया। आज ये संसार भी प्रत्यक्ष रूप से जान जाएगा कि रुद्र और रुद्राक्ष दोनों ही के हृदय में श्री राम विराजते हैं। बोले बाबा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने प्रभु के दर्शन करा के मेरे कोप को शांत किया। अन्यथा मेरे कारण बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हनुमान तुम्हारी ये प्रलयकारी पुंडार तो विधि का विधान थी। पुत्र विधि का विधान या क्या कह रहे हैं भोले बाबा? ये सत्य है पुत्र, तुम्हारे हुंकार मात्र से कोई शक्ति अपने अंत को प्राप्त हो गई। अंजनी पुत्र